हेलो, टेंशन को बोल दे आई लव यू, तुझे छोड़ के चले जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में किरदार निभा रहे अरमान के बारे में, जिनका रियल नेम रोहित पुरोहित है। आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बातें आपको बताएंगे जो आप लोग पहले नहीं जानते होंगे, और दोस्तों साथ ही बताएंगे उनके फैमिली के बारे में और बताएंगे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी, और दोस्तों वे इस सीरियल से कितना कमाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में वो एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों रोहित पुरोहित आजकल किसको डेट कर रहे हैं और साथ ही बताएंगे इनके रियल पार्टनर के बारे में। तो दोस्तों क्या आप लोग भी रोहित पुरोहित के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों बात करें रोहित पुरोहित की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनका रियल नेम रोहित पुरोहित है और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अरमान का किरदार निभा रहे हैं। और दोस्तों रोहित पुरोहित इस शो से पहले बहुत सारे सीरियल में भी काम कर चुके हैं। और दोस्तों बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 8 जून 1986 को हुआ था। और दोस्तों इनकी एज 2024 के हिसाब से 38 वर्ष हो चुकी है। और दोस्तों प्रोफेशन से ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक फेमस एक्टर हैं। और दोस्तों इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अपने मुकाम को हासिल भी कर लिया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से ही कंप्लीट की, उसके बाद ये मुंबई चले गए। वहीं से इन्होंने आगे की पढ़ाई की और वहीं से अपना कैरियर एक्टिंग में बनाने की सोची, और वहीं से इन्होंने एक्टिंग भी सीखना शुरू कर दिया। और वहीं पर इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऑडिशन देना शुरू कर दिया, जिसको इनको सीरियल के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया। और इन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया, इनके रोल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अरमान के किरदार से सभी को चौंका दिया है। इनके किरदार को सभी बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी उस सीरियल से काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों बात करें इनके फैमिली के बारे में, तो इनकी फैमिली में मम्मी पापा, एक बड़ी सिस्टर है और इनकी बड़ी सिस्टर का नाम रीना पारेख है। दोस्तों बात करें इनकी हॉबीज़ की, तो इनको हॉबीज़ हैं ट्रैवल करना और एक्टिंग करना, और इनको कॉमेडी करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों बात करें इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है और इनका वेट लगभग 70 किलोग्राम है, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने फिटनेस को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इनको जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और जिम करके इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और दोस्तों इन्होंने अपना पहला सीरियल चितवन की सहा, और दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 से की थी। इनका पहला सीरियल शौर्य और सुहानी था, जिसमें इन्होंने चितवन का रोल प्ले किया था। और दोस्तों 2010 में ये अदालत सीरियल में नजर आए थे, और जहां पर इन्होंने मार्को डिजो का रोल प्ले किया था। और उसके बाद इनके पास सीरियलों की लाइन लग गई। इन्होंने बहुत सारे सीरियल में भी काम किया और ज़्यादा प्रसिद्धि इनको ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अरमान के किरदार से मिली है। और दोस्तों बात करें इनके गर्लफ्रेंड की, तो इनकी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ये अपना फोकस करियर पर करते हैं। और दोस्तों बात करें इनकी इनकम की, ये इस सीरियल से कितना कमाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये इनकी इस सीरियल में एक महीने की इनकम 2 से 3 लाख रुपए है, और ये एक्टिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक्टिंग लोगों को बहुत अच्छी पसंद आ रही है। दोस्तों आपको रोहित पुरोहित यानी अरमान कैसे लगते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलती रहे।